हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ऑसम बहुत ही यूनिक फीचर के बारे में। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रेगुलर आपसे करता हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप MD प्रजेंट्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के MD प्रजेंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ये बेल आइकन को ये घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को घंटी को दबा देंगे तो मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपको मिल जाएगा सबसे पहले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक एप्लीकेशन ओपन करना था, चलिए दोस्तों एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे फर्स्ट हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों एक बात बता दूं, ये एप्लीकेशन कहां से और कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों सिंपली एप्लीकेशन को परमिशन दे देते हैं। तो सिंपली ओके करना है, ओके करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को परमिशन देना है। तो चलिए जब परमिशन दे दिया हूँ, परमिशन देने के बाद बैक होना है, उसके बाद यहाँ से करना है स्किप। जिसके स्किप करेंगे आप उसके बाद आपके सामने आएगा अलाउ, तो फिर अलाउ पर क्लिक कर देंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इस ऐप को सिंपली बीच में स्टार्ट लिखा है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली दोस्तों इसको ऑन कर देना है, यहाँ मल्टी विंडो सर्विस को ऑन कर देना है। यहाँ से फिर एक परमिशन मांगेगा तो परमिशन एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद बैक हो जाना है, बैक होने के बाद ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही आपके लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर में एक एरो दिखेगा, एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आएगा। तो ये देखिए बहुत ही धीरे से बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, तो इसका स्पीड करना है तो यहाँ हाई कर देंगे दोस्तों। यहाँ देख लीजिए हाई मीडियम लो, तो हाई कर देंगे तो वो बहुत ही स्पीड में आएगा। उसके बाद जाना है आपको ऊपर में निशान पे जाना है, उसके बाद जो भी ऐप इसमें रखना है वो सिलेक्ट कर लेते। चलिए मैं कुछ ऐप सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ऐप सिलेक्ट कर लिया, यहाँ ऐप सिलेक्ट करने के बाद नीचे यस का निशान है, यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कहीं भी आप किसी भी वक्त आपको ज़रूरत पड़े तो इस ऐप को यहाँ से ओपन कर देते हैं कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें दोस्तों। आप अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सिंपली आपको बता दूं, यहाँ से थीम भी इसका चेंज कर सकते हैं। थीम पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट थीम पे करेंगे, उसके बाद बहुत सारे थीम है, जो भी थीम डालना चाहे आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दूं कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों। तो सिंपली इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्ले स्टोर चलते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सर्च बार में सर्च करना है मल्टी विंडो स्प्लिट स्क्रीन एंड साइड बार। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिंपली इसको डाउनलोड कर। आशा करता हूँ ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों MD परजेंट्स यूट्यूब चैनल को वीडियो के नीचे लाल बटन मिलेगा उसको दबाकर उस पर टैप कर सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप घंटी को दबा देंगे बेल आइकन को दबा देंगे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा डालूंगा उसका मैसेज उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, कुछ भी पूछना हो आपका कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, थैंक यू फ्रेंड्स।